मुखवा गांव आने के लिए आपको सबसे पहले हर्षिल आना पड़ेगा। वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है, जहां आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर गाड़ी से भी। हर्षिल कैसे आए ये जानना है तो प्लीज आप मेरे पहले के वीडियो देख लीजिएगा, जिनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज हम जा रहे हैं मुखवा, जिसको मोकी मठ भी कहते हैं। गंगोत्री का टेम्पल है, शीतकाल में जो वो टेम्पल बंद हो जाता है, तो यहाँ पर शीतकाल में गंगा को ले आया जाता है और यहाँ पूजा होती है। जैसे और धाम में होता है उसी तरीके से यहाँ गंगा आ जाती हैं मुखी मठ में, जिसको यहाँ के लोकल लोग मुखवा कहते हैं। तो वहाँ पर मैंने सुना है टेम्पल है। दूसरा देखने वाली चीज़ है घर बहुत अच्छे हैं। ये आ गए हम मोकी मठ गाँव। यहाँ से स्टेयर शुरू है और मंदिर आगे जाके है। ये मंदिर है और यहाँ से एंट्री है अंदर। यहाँ के जो घर हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं। वैसे उत्तराखंड में ऐसे घर मैंने यहीं देखे हैं। मोस्टली घर जो होते हैं वो मिट्टी के और पत्थर के होते हैं। लकड़ी का काम होता है बट इतना बाहर दिखता नहीं है। और जो ऊपर की छत होती है पहाड़ के पत्थर की बनी होती है छत। यहाँ की छत जो है वो टीन की बनी हुई है, बर्फ़ के हिसाब से बने हैं। यहाँ फिर कैसे रहते हो बर्फ़ में? आदत हो गई है जिंदगी का। अम्मा बता रही हैं कैसे रहते हैं यहाँ पर। भैया अम्मा का घर है खूबसूरत सा। ये ताले लगे हैं, ये लोग रहते नहीं है क्या घरों में? नहीं, दुकान चले गए। इसका नाम है मुखी मठ। पौराणिक नाम मुखी मठ है और स्थानीय नाम मुखवा है। कहते हैं ये जो मुखी मठ है ये मतंग ऋषि का भी जो है तपस्थली थी। साथ में ये गंगा जी का, जब 6 महीने गंगोत्री के कपाट बंद हो जाते हैं तो 6 महीने तो ये सिद्धपीठ है और माता का शीतकालीन प्रवास है, माता गंगा का शीतकालीन प्रवास है। इस गांव में बहुत कुछ है देखने लायक। उत्तराखंड में लकड़ी में डिज़ाइन का काम बहुत होता था पहले के घरों में, लेकिन अब ये सिर्फ किसी किसी पुराने घर में ही दिख जाता है। नए घर तो बिल्कुल मॉडर्न तरीके के बनते हैं जैसे शहरों में, तो ये चीज़ काफ़ी कम हो गई है, लेकिन ये बहुत फेमस थी। दरवाजों पे गणेश बनते थे, तो यहाँ ये दरवाज़ा है और यहाँ पर गणेश बने हुए हैं दरवाजे के ऊपर। ये जो चीज़ है ना, ये इसके ऊपर लैंप रखा जाता था। ये है, ये सीढ़ी है ऊपर जाने की, जिसे देखिए काट के थोड़ा सा बना रखा है खुद से, किसी उसने बनवाया है लकड़ी वाले से जो लकड़ी का काम करते हैं। और ये पूरा ऊपर जाने वाला, ये एक ऊपर वाला घर होता है जहाँ पर सामान रखा जाता है। पुराने उत्तराखंड के जो घर होते थे उनमें ही बनता था और मेरे घर में भी था, जहाँ पर सामान रखते थे और कई बार सोते भी थे। आप
मुखी मठ से धरौली गांव जाएंगे तो एक ही दिन में करिएगा मुखी मठ और धरौली गांव। तो आपको इस ब्रिज से, आपको इस ब्रिज से जाना है धरौली गांव और मुखी मठ इधर है। धरौली खाना खाने के लिए बैठ गए और पूछ नहीं रहे हैं हमको जहाँ जाना है। मुखवा से धरौली का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर का है। धरौली से मैं 7 ताल का ट्रैक करूंगी जो 3 किलोमीटर की दूरी पे है। 7 ताल का जो ट्रैक है वो, उसका नाम इसलिए 7 ताल है क्योंकि वहाँ पर 7 ताल हैं पानी के। रास्ता अच्छा है इस ट्रैक का। धरौली गांव में सिर्फ रिलायंस का सिम काम करता है, बाकी कोई सिम काम नहीं करते हैं। बहुत सुंदर व्यू है लेकिन चढ़ाई भी बहुत है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अच्छा, ये मुझे ट्रैकिंग से समझ आ रहा है। और सबसे अच्छी बात है पेड़ बहुत हैं तो ना बहुत अच्छा सा हवा चल रही है, तो गर्मी नहीं लग रही है। धूप में भी आप आएंगे तो आपको बहुत परेशानी नहीं होने वाली है क्योंकि बहुत अच्छी हवा और आपको छाव दोनों मिलेगी पेड़ों से। ये मरदुंगा ताल है और ऐसी ही 6 ताल और हैं जो सूखे हुए हैं, इसलिए हम ऊपर नहीं जा रहे और काफ़ी अभी ऊंचाई पर भी हैं। अच्छा है, बहुत नेचुरल है, पानी इकट्ठा हुआ है और बस साइड में लोगों ने इसकी चार दीवारी कर रखी है। 7 ताल का जो ट्रैक है वो तो 3 किलोमीटर का है, लेकिन इस ट्रैक में एक परेशानी है, वो ये है कि कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि ये रास्ता 7 ताल को जाता है। तो कई बार हमको ये लगता है कि क्या हम रास्ता भटक तो नहीं गए, हम गलत तो नहीं जा रहे हैं। मुझे भी एक पॉइंट पे आके ऐसा लगा था कि मैं कहीं और चले गई हूँ या फिर मैं भटक गई हूँ, जब तक कि मैंने एक ताल नहीं देखा। जब मैंने एक ताल देखा उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है, मैं सही रास्ते पे हूँ।